लोग वहीं थे, गहलोर में थे, और जो अपनी अपने जो बायकॉम हैं और कैसे सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प भी किया, उसकी हेल्प किया और हर तरीके से तैयार हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और डेफिनेटली अगर हमारी फिल्म का कुछ होता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें से भी लोग करेंगे। फिल्म वो सबको हम लोग इन्वाइट करके आए, वो डेफिनेटली ज़रूर देखेंगे। आने वाले समय में प्रोजेक्ट क्या आने, अभी तो मेरा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है रईस, तो उसका शूट हो चुका है शेड्यूल और डेफिनेटली नेक्स्ट शेड्यूल के लिए एक्साइटमेंट है। हेलो जी, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको फिल्म के लिए? हम लोग, मैं नवाज सारा टीम जो है वो भारत भ्रमण पे निकला था इस फिल्म के साथ, ये सोच के कि चलो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। हम लोग शहर शहर जाकर वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में स्टूडेंट से मिले और बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी गए, नवाज की पॉपुलैरिटी जो है वो तो देखने को थी, वहाँ पर ग्रास रूट्स तक उसकी पॉपुलैरिटी चाहिए और फिल्म को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिला। हम वहाँ उनके गांव गए, उनके परिवार वालों से मिले, गांव वालों से मिले और उनका भी बहुत प्यार भरा रिस्पांस है। वो भी पहले दिन फिल्म देखेंगे जाएंगे। Viacom 18 is distributing the film. They are the best in the business. So I hope they are doing everything that can be done. और कहीं जो लीक हुआ था वो एक पुराना एडिट था इस फिल्म का, हम और फिर भी इसने सोशल मीडिया पे काफ़ी बस क्रिएट किया, तो हमें उम्मीद है कि इससे तो वर्ड ऑफ माउथ हो कि ये फिल्म और चलेगी। हाँ जी, ऑल स्टेप्स शुड बी टेकन और थैंक यू। फिल्म का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है और लोगों को डायलॉग बड़े पसंद आ रहे हैं फिल्म के, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बना है, क्योंकि प्रोमो वगैरह भी काफ़ी बड़ा हिट हुआ उसका, तो पॉसिबल अब रिलीज पे है, देखते हैं क्या होता है। फिल्म ऑफकोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, फिल्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसे आदमी की कहानी, एक ऐसे आम आदमी की कहानी जिसको हम चाहते हैं कि वो उनके बारे में सब जाने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था सबसे, और इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी जो 22 साल से एक ही चीज़ सोचता है और अपने प्यार के लिए और पहाड़ को देता है, तो आपको बहुत मुश्किल होता है ऐसे माइंड में। सिमरिटी एक है कि वो भी उनको पागलपन था और हमारे मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है ये पागलपन अपनी एक्टिंग को लेकर, तो वहाँ से रिलेट किया चीज़ों को। अब उनको बोलूँगा मैं तो ऑफकोर्स, अगर बहुत अच्छा रहेगा अगर आएंगे तो देखेंगे। हाँ हाँ, ऑफकोर्स हम लोग गए थे, अभी गहलोत गए थे, उनके गांव में गए थे, और जो बायकॉम है वो काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। वो तो बहुत खुश हैं और वो उनको ये सबसे अच्छी बात की लग रही है कि उनके जो फादर, उनके जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि उनके फादर का इतना बड़ा एक, हर आदमी जान रहा है अब उनके बारे में, तो बहुत अच्छी बात है।
I'm looking forward to seeing Majhi very much. It's a very interesting idea. It's a story, it's a very powerful story. And I've known Ketan Mehta for a long time, and Nawaz is a dear friend. He was also in my first film, Firaar. So when they invited, I'm here in support and as a good audience. Thank you. You tell me, you're hearing it, right? Yeah, the buzz is good. I think the buzz is excellent. The buzz is what we had expected for. Despite the various challenges that you're obviously aware, I think we're very proud to be where we are. I think the spirit of the film is about moving mountains, and I think with a film like this, we will hopefully move mountains. What all measures have you guys taken after the league? What all measures have you taken, and what do you want government to do so that in future, a situation like this doesn't happen again? So, number of measures we've taken. We've got a John Doe order against all the ISPs. We've actually also put a complaint in the cyber branch of the Mumbai police cell. So this is actually not just a civil offence, it's also a criminal offence. Besides that, of course, we are trying to go after the various infringing sites which are... But I think beyond all this, somewhere this movie and what this movie is all about will make people feel that they should perhaps, in the right frame of mind, do the right thing and watch it where it's what best, which is in the theatres. बहुत ही अच्छी फिल्म होने वाली है. आई थिंक मैंने नवाज के साथ इसके बारे में बहुत बात की थी बदलापुर के ड्यूरिंग. ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस फिल्म. ऑल्सो मेरे दोनों कोस्टार्स राधिका आप्टे एंड नवाज सर दे बोथ आर इन दिस फिल्म. तो आई वाज एनीवे लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस. एंड केतन मेहता ने बनाई है एंड इट्स वंडरफुल. या इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी एंड सच फिल्म्स हैव टू बी इनकरेज. And it's, I think it could be one of Nawaz sir's best performances. People should go and watch this film definitely. If you're a cinema lover, then definitely go watch it. If we talk about patience, this man had took 22 years just to break the mountain. Patience ki baat kare, how is Varun when it comes to patience? When it comes to patience, I'm not really very good, but I try and learn when I work with other people. Like I said, I've worked with Nawaz bhai, so learning how they go about the art, how they go about the craft. Such gifted performers. So I think I need to still develop that in me. I'm not really good at that at the moment. Film jo thi wo leak ho gayi thi aaj jab censor board pe gayi thi tab film leak ho gayi thi and it is now out with people. What do you think as a person of film fraternity? Honestly, I think a good film needs to be enjoyed in the theater. So मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे कि प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए. जो लीक हुई थी वो बुरी बात है. आई गेस दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. बट नाउ दैट्स आउट, गो वॉच इट विद द फैमिली. इट्स गुड सिनेमा, यू शुड गो गिव अ ट्राई. थैंक यू सो मच. थैंक्स. राधिका, हाउ इज द रिस्पॉन्स बीन फॉर मांझी द माउंटेन मैन? It's the internal right now, so I don't know. But so far, wherever we've gone and whoever we've met, and it's only been positive. So I mean, really good. I mean, you know, he's a very, very good friend. And आज मेरे हथौड़ा लेके उसके सर पे रखने का मौका मिला, so I was very happy. He's also, I mean, they're all going to watch the film, so I'm very excited. They came today. It's really sweet. His compliments and his criticism both are important to me. And he's a very honest critique, actually. And we share that relationship, which is extremely special to me. It is sad. For anybody, it's sad, right? But we've done everything we can, and you know, whatever responses I've got on Twitter, you can actually see that it is a proof. They've all said that we've seen it and we want to watch it again. And I really request you, please go watch it in theaters. Yeah, it was experience is not the same. Thank you. Zabardast Zindabad. नवाजुद्दीन ने इस पूरी फिल्म का जो भार जो है अपने सक्षम कंधों पे उठा के चले, तो हमारी इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकार है ये. हर साल वो साबित कर रहे हैं, ये साल भी साबित करेंगे, ये मेरा मानना है. सर, आपके प्रोजेक्ट क्या है अभी? तो फिलहाल कैबरे की शूटिंग चल रही है. रिचार्जर डग झात पूजा भट्ट की सीरीज में उनके बना रहे हैं, तो अभी शूटिंग चल रही है उसकी. थैंक यू. मांझी जो फिल्म है वो बहुत ही बेहतरीन है, और आई थिंक हम लोगों ने तो हम लोग को बहुत देख के प्रभावित हैं, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए और
खासकर मैं सबको ये कहूँगी कि दिस इज़ अ मस्ट स्पेशली फॉर यंगर पीपल हु फाइंड देयर लाइफ्स अ वेरी हेक्टिक एंड टफ. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. क्या लगता है ऑस्कर बजाएगी? जाने तो चाहिए शायद. उसके लिए हम कल आएंगे और फिर से हम थिएटर में भी जाएंगे ताकि जी. नवाजुद्दीन एक तो हमारा पड़ोसी है एक्चुअली मेरठ का, और वो हमारा पुराना याड़ी है और अच्छे वाले दिनों का याड़ी है. आजकल तो चलिए चमक के दिन हैं, लेकिन बगैर वाले चमक जो दिन थे तब के हम लोग साथी हैं. बात ही अलग है. तो जितनी दिन जितनी रगड़ होती है वो तो चमक भी उतनी ही होती है, इसीलिए वो दिखती है. वो खा गया बिल्कुल. एक्टिंग उसने ऐसी की है कि मतलब समझ लीजिए जैसे एक्टिंग नाम की चीज़ को खा गया हो चबा के. मतलब उसने घास खा ली और मतलब छोटे छोटे तिनके खा लिए तो वो जान ही ले ली उसने. देखिए यहाँ पर क्या है, ये देश ऐसा है साहब, यहाँ तो अच्छी अच्छी ज़िंदगी लीक हो जाती हैं, फिल्में तो छोड़िए. तो यही तो इस देश की दुख भरी दास्तान सुनाई गई है. मतलब उसकी डेथ, दशरथ मांझी की डेथ के बाद सरकार ने रोड बनाई है. तो सोचिए जिस देश में इतना स्लो चल रहा हो सब काम, तो ऐसे में तो बहुत गलत काम तो यहाँ बहुत जल्दी हो जाते हैं, अच्छे काम थोड़े देर लगती है, लेकिन अच्छे काम भी हो जाते हैं हमारे देश में. थैंक यू वेरी मच. ये ना कहिए, अब देखो इतनी देर बाद तो सड़क बनी है, अब आप फिल्म ऑस्कर तक भिजवा रहे हो. बस दुआ करो कि पहले कुछ लोग आ जाएं थिएटर तक, क्योंकि जैसा मैंने बताया अच्छी चीज़ों में बहुत देर से जागता है हमारा देश. तो मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सब लोग पहले ये थिएटर तक चले जाएं और अच्छे से देख ही लें. ऑस्कर तो बहुत दूर की बात होती है. नमस्ते. मतलब इस फिल्म के बाद एक्चुअली बात करना थोड़ा मुश्किल है. अभी हम लोग अंदर वही बात कर रहे थे कि इसके बाद आपको लगता है कि थोड़ी देर अपने साथ रहो, शांत रहो. बहुत खूबसूरत फिल्म, और मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म का हिस्सा अगर बनते तो बहुत अच्छी किस्मत होती है. और नवाज़ भाई से हमेशा ही सीखने को मिलता है, और मेरा मानना है आगे भी मिलता रहेगा. केतन सर को तो देख के हम बड़े हुए हैं, उनका काम देख देख के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था. मतलब ओवरवेलमिंग, आपका कई बार दिल भर के आता है, और कभी आपका प्यार से दूर का भी रिश्ता रहा है बहुत ज़्यादा टच करते हैं. बहुत सेकंड हाफ में तो मतलब 5-6 बार दिल भरा है पूरी तरह से. जी नहीं, मेरठिया के गैंगस्टर में नहीं हूँ. मेरी ऑल इज़ वेल आ रही है और फैंटम आ रही है, पर वो अलग फिल्म है. थैंक यू.